emotion. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। सो दोस्तों, आज का वीडियो जो है बहुत 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 ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। सो आज की वीडियो में आपके लिए मैं एक ऐसा हिडन फीचर लेके आया हूँ जो कि आपके फ़ोन में ही अवेलेबल है, और ये जो हिडन फीचर है इसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा और आपको इस फीचर के बारे में पता भी नहीं होगा। सो दोस्तों, ये जो फीचर है इसके लिए ना ही आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, ना ही कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। सो दोस्तों, ये जो हिडन ट्रिक है ये आपके फ़ोन में इनबिल्ट है और जिसके बारे में आपको शायद नहीं पता है, लेकिन कुछ लोग होंगे 10% उनको जो है इसके बारे में पता होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे 90% जिनको जो है इसके बारे में नहीं पता है। और ये जो है काफ़ी अल्टीमेट हिडन फीचर है और आपके फ़ोन को बिल्कुल ही सिक्योर कर देता है और इसके बारे में आपको कोई भी नहीं बताएगा। और ये जो हिडन फीचर है ये आपके फ़ोन का लॉक है, जैसे कि आपके फ़ोन में होता है पैटर्न स्वाइप, मतलब कि फिंगरप्रिंट, मतलब और आपका जो है कोड पिन कोड वाला, मतलब बहुत सारे यहाँ पे आपके फ़ोन में लॉक होते हैं। लेकिन आज मैं आपको आपके फ़ोन का एक ऐसा लॉक बताऊँगा जिसके बारे में आपको नहीं पता है, और वो लॉक जो है बिल्कुल ही अलग है। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो क्या करना होगा, आपको जाना होगा आपकी फ़ोन की सेटिंग पे। तो दोस्तों, ये जो लॉक है ये आपके फ़ोन में इनबिल्ट है लेकिन आपको इसके बारे में नहीं पता है। सेटिंग पे जाने के बाद जो है आपने जाना है अपने फ़ोन के लॉक स्क्रीन पे। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आपको मिलता है स्वाइप, पैटर्न, पिन, पासवर्ड और नन। ये जो ऑप्शन आपको मिलते हैं या फिर आपको फिंगरप्रिंट मिलेगा, लेकिन मैं आपको एक ऐसा लॉक बताऊंगा जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट है और आपको कहाँ मिलेगा वो भी बताऊंगा। उसके लिए जाना होगा आपको एसेसिबिलिटी की सेटिंग पे। एसेसिबिलिटी की सेटिंग में जाने का आपको नीचे मिलेगा डायरेक्शन लॉक। हाँ दोस्तों, ये है डायरेक्शन लॉक। ये जो लॉक है इसके बारे में आपको नहीं पता है, और यहाँ पे जाने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस लॉक में आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा और इसे कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। आपने जो है ऊपर क्लिक करना है ऑन पे, फिर आपने यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर उसके बाद जो आपने क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से करना है। अगर आप जो है ध्यान से नहीं करेंगे वरना आपको प्रॉब्लम भी आ सकता है, आपको फ़ोन जो है लॉक भी हो सकता है। सो आपको जो है मैं कैसे बताऊँगा कैसे करना है। पहले ऊपर करना है, फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, 6 या 8 बार आपने जो है इसे करना है। फिर आपको ये कंफर्म मांगेगा, कंफर्म करने के लिए आपने दोबारा से ऐसे करना है। आप जो डायरेक्शन कोई भी रख सकते हो, मैंने ऊपर नीचे आपको दिखाने के लिए रखी, और ये ताकि मेरे लिए इजी रहे। और ये लॉक जो है आपके फ़ोन में लग चुका है, और मैं इस लॉक को जो है खोल के भी बताऊँगा, लॉक करके भी बताऊँगा, आप जो है वीडियो देखते रहिए। जैसे मैंने अपने फ़ोन को लॉक लगा दिया, लॉक लगाने के बाद जो है जैसे कि मैं इसको स्वाइप करूंगा तो देख सकते हो यहाँ पे डायरेक्शन मांगेगा। सो मैं यहाँ पे जो है डायरेक्शन लगाऊंगा, देखते रहिए जो मैंने क्या कौन सी डायरेक्शन लगाई है वो भी बताऊंगा। सो देख सकते हो ये लॉक जो है नहीं खुल रहा है, तो कैसे खुलेगा वो भी देखते रहिए। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, मैंने इसे 6 बार जो है टाइप किया है, तो मैं 6 बार ही करूँगा, तो जैसे लॉक जो है खुल चुका है। उसके बाद शॉर्ट डायरेक्शन को ऑन करके जो है आप इसकी डायरेक्शन को शो भी कर सकते हैं, और रीड्रॉन अगर आप जो है ऊपर नीचे करेंगे तो उसकी आवाज़ भी आपको आएगी। तो जैसे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, जो ये मैंने 6 बार किया है, तो मैंने इसमें जो है लॉक ये 6 बार ही रखा है, तो ये लॉक जो है खुल गया। सो आप जो है अपने हिसाब से जो है उसे साइड, लेफ्ट, राइट या अप डाउन कुछ भी जो है इसे रख सकते हैं डायरेक्शन लॉक में। और ये लॉक जो है बिल्कुल ही सिक्योर है, इसके बारे में किसी को पता नहीं होगा और आपका फ़ोन जो है कोई भी खोल नहीं पाएगा। और इस लॉक को लगाने से पहले जो आपको याद रखना होगा कि आपने कौन सी डायरेक्शन में जो है ऊपर नीचे किया है, साइड में किया या ऊपर नीचे, जो भी है आप जो है इस लॉक को अपने हिसाब से जो है सेट कर सकते हैं। और ये जो लॉक है बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है, आपके डिवाइस को काफ़ी सिक्योर कर देगा। और दोस्तों, ये था आज का हिडन फीचर। आपको अगर पता नहीं चला है तो आप जो है कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हैं, और इस लॉक को लगाने से पहले जो है आप जो है इसे याद रखें कि आपने कौन सी डायरेक्शन में जो है ऊपर नीचे किया है, वरना आप जो है भूल गए तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो लॉक है काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट है। सो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, जो मेरे चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो जो है अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। सो बाय बाय।